हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, कैसी दिखाई देती हैं, सब की सब नॉलेज आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्या होते हैं इनपुट डिवाइसेस? तो इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं, डिवाइसेस आर यूज्ड टू इंटर डाटा, ऐसी डिवाइसेस जिससे हम कंप्यूटर में कोई डाटा इंटर करते हैं, इनटू अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा इंटर करते हैं, आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। अब कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिससे हम कंप्यूटर के अंदर डाटा इंटर करते हैं? कीबोर्ड, सबसे पहली एग्जांपल क्या आती है माइंड में? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जितनी भी यार डिवाइसेस हैं सब की सब कवर करेंगे इस वीडियो में, नहीं वो फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे, डिटेल से कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? कीबोर्ड जी। तो पहली डिवाइस हमारे पास कौन सी है? इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। तो कीबोर्ड तो आपको पता ही होगा कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है। इट अलाउज अ यूज़र टू टाइप अल्फ़ाबेट। ये यूज़र को अलाउ करता है, नेशनैलिटी देता है कि आप कोई अल्फ़ाबेट ABC या कोई नंबर और सिंबल, कोई सिंबल, सिंबल कौन कौन से होते हैं, हैशटैग होता है और एट द रेट होता है, परसेंटेज होता है, डॉलर साइन होते हैं, ये जितने भी स्पेशल कीज़ हैं, सिंबल्स हैं, वो आप इंटर कर सकते हैं इन टू द कंप्यूटर। इट हैज़ स्मॉल बटन्स, इसके छोटे छोटे बटन होते हैं, कॉल्ड बटन्स, हम इन्हें बटन भी कह सकते हैं, कॉल्ड कीज़ हम कीज़ भी कहते हैं। ज़्यादातर प्रो लेवल पे, यानी कि जो हायर क्लासेस में यूज़ वर्ड होता है वो कीज़ ही होता है। तो आप भी अभी से आदत बना लें कीज़ कहना, बटन को छोड़ें कीज़ बोला करें। तो कीबोर्ड हमारे पास कैसा कैसा हमें दिखाई देता है? तो कुछ इस तरह का कीबोर्ड होता है। ओके हो गया, तो ये हमारा कीबोर्ड हो गया। अब कीबोर्ड के भी पार्ट्स हैं, ठीक है? कितने तरह के कीबोर्ड के पार्ट्स हैं? अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सेक्शन। हम कीबोर्ड को भी डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। तो पहले हमारे पास आ जाती हैं फंक्शन कीज़, दूसरे नंबर पे आ जाती हैं हमारे पास अल्फान्यूमेरिक कीज़, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं जी न्यूमेरिक कीपैड, और चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं कर्सर कंट्रोल नेविगेशन कीज़। ओके, तो फंक्शन कीज़ क्या होती हैं? तो द फंक्शन कीज़ आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। जो फंक्शन कीज़ होती हैं वो कीबोर्ड के ऊपर 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 वाला हिस्सा जो होता है उसमें लोकेटेड होती हैं। द पर्पस ऑफ दीज कीज़ इज़ बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर। जो भी हम अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं ना, उसके मुताबिक ये कीज़ इस्तेमाल होती हैं, वी आर यूजिंग। ओके हो गया, अब कौन सी हैं ए फंक्शन कीज़, कौन सी हैं? ये देखें हमारे पास ये जितनी भी कीज़ है ना, ये सब की सब फंक्शन की हैं। ये देखें इधर मेंशन है फंक्शन कीज़। ओके हो गया, ओके। तो फंक्शन कीज़ का आपको पता चल गया ये किस लिए यूज़ होती हैं। मैं जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं उसमें ये इंस्ट्रक्शन पास करने के लिए ये कीज़ यूज़ होती हैं। अभी आपको इतनी समझ नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता से समझने वाली चीज़ें हैं, ये खुद ब खुद जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, कंप्यूटर चलाएंगे, लैपटॉप चलाएंगे, तो आपको पता चलता जाएगा,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज़, अल्फा अल्फ़ाबेटिक्स, न्यूमेरिक नंबर कीज़, यानी कि ऐसी कीज़ जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। वो कौन कौन सी कीज़ हैं? तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ आर द कलेक्शन ऑफ लेटर, लेटर यानी कि ए बी सी, ओके हो गया, नंबर 1 2 3 4 ये नंबर, एंड स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ कौन सी होती हैं वो भी आपको दिखाता हूँ, लाइक टैब, कैप्स लॉक, बैक स्पेस, इंटर शिफ्ट कंट्रोल एंड आल्ट कीज़, ओके हो गया। ये हमारे कीबोर्ड में कीज़ होती हैं, इनके ऊपर बकायदा इनके नाम मेंशन होते हैं। आप अपना कोई भी पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर, आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पे देख सकते हैं ये। तो अल्फा न्यूमेरिक कीज़ कौन सी हैं? तो अल्फा न्यूमेरिक कीज़ ये हैं, ये देखें, ये सब की सब अल्फा न्यूमेरिक कीज़ हैं, ये सब की सब, जिनमें हमारे पास आ जाती हैं स्पेस की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, और ये कंट्रोल की, ओके हो गया। तो ये हमारे पास कौन सी हैं? ये अल्फा न्यूमेरिक कीज़ हैं। ये स्क्रीन थोड़ी सी कट रही है, आपने मैनेज करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पेस की है, ये आल्ट की है, और ये इंटर की है, ओके हो गया। ये फंक्शन कीज़ हैं, ये हमने पढ़ा है। ये एस्केप की है, ओके हो गया। ये टैब की है, ये इंटर की है, ये शिफ्ट की है, ओके हो गया, और ये कंट्रोल की है, ओके भाई जान। और इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक कीज़ के बाद हमारे पास आ जाती हैं न्यूमेरिक पैड, ओके। अब ये न्यूमेरिक पैड कौन कौन से हैं? द न्यूमेरिक कीपैड, द न्यूमेरिक कीपैड, सॉरी न्यूमेरिक कीपैड है, द न्यूमेरिक कीपैड इज़ यूजली लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टैंडर्ड कीबोर्ड। ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के राइट साइड यानी के ये दाईं जानब होते हैं, ठीक हो गया। दिस सेक्शन कंटेन डिजिट, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पर मुश्तमिल होता है। डिजिट्स कहते हैं नंबर्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये इन डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है। कीज़ एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन कीज़, ये ज़्यादातर मैथमेटिकली ऑपरेशन जो होते हैं ना उन्हें परफॉर्म करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, इस न्यूमेरिक कीपैड को। अब ये न्यूमेरिक कीपैड कौन सा है? ये जो ये वाली कीज़ है ना, ये हमारे पास ये न्यूमेरिक कीपैड है, ओके हो गया। अब जो एडवांस कीबोर्ड आ रहे हैं, स्मार्ट कीबोर्ड, उनमें ये मोस्टली नहीं होता। जो लैपटॉप के साथ कीबोर्ड होते हैं उनके साथ ये नहीं होता, हमें अल्फा न्यूमेरिक की से ही काम चलाना पड़ता है। लेकिन अगर आप मार्केट से कोई कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेंगे तो उसमें ये ज़रूर मेंशन होंगे, ओके हो गया भाई। तो न्यूमेरिक कीपैड का भी पता चल गया आपको। और कर्सर कंट्रोल कीज़ कौन सी हैं? तो कर्सर कंट्रोल कीज़ कंसिस्ट ऑफ एरोज़ कीज़ पर ये कंसिस्ट होती हैं, इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज, अप एंड पेज डाउन कीज़। दीज कीज़ आर यूज्ड टू मूव कर्सर विद इन द टेक्स्ट। और टेक्स्ट के बारे में आपको मैंने पिछली इस वीडियो में बताया है कि टेक्स्ट किसे कहते हैं। एक मरतबा फिर बता देता हूँ, हम जो कुछ भी लिखते हैं, ये हमने जो कुछ भी लिखा है, ये सब का सब टेक्स्ट है, ओके हो गया। कर्सर कंट्रोल कीज़ कौन सी हैं? तो आपको एक मरतबा बताता जाऊँ कि कर्सर कंट्रोल कीज़ ये वाली कीज़ है। ये स्क्रीन कट रही है, इतना अच्छा आपको नहीं दिखेगा ये, लेकिन आपने ये वाली कीज़ जो है, ये कर्सर कंट्रोल कीज़ है, ओके हो गया। ये कीज़ कौन सी हैं? कर्सर कंट्रोल कीज़ है, ओके। तो ये हमारे था कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के बाद आगे हम फर्दर इनपुट डिवाइसेस को पढ़ेंगे, ओके। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।